अस्सलाम वालेकुम। चलो आपके साथ एक और एग्जांपल जो है इसके फीड कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल रिगार्डिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। इसको जरूर देखिएगा, आपकी टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, अब स्पीड टाइम ग्राफ में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ लें कि इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। एज यू कैन सी द टाइम वॉज जीरो, द स्पीड वॉज जीरो ऑफ द ऑब्जेक्ट। टाइम जैसे जैसे गुजरता गया गया, स्पीड इंक्रीज होती गई और 2 सेकेंड्स पर उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। देन टाइम मजीद आगे बढ़ा और 5 सेकेंड्स तक उसने अपनी स्पीड को मेंटेन रखा, ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज्यादा हो रही है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। After the 5 second, the speed start reducing, reduce होती गई, कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और 8 second तक पहुंचकर speed zero हो गई, यानी object rest में वापस आ गया। इस journey को अब हमने इसे मुख्तलिफ सवाल आपके जवाब देने हैं, आइए देखते हैं। Part one. Find total distance traveled. आखिर इस ऑब्जेक्ट ने इस इन 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो याद करते हैं, जब हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो फिर इस मकसद के लिए हमें ज़रूरत होगी एरिया कैलकुलेट करना है। और अगर हम अपने बोर्ड पर डायग्राम को देखें तो हमारे पास डायग्राम के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें ट्राइंगल दिख रही है, फिर रेक्टेंगल दिख रहा है, और फिर दोबारा हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। यानी अगर हम तीनों हिस्सों को अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि आखिर इस डायग्राम के अंडर टोटल एरिया कितना है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्राइंगल की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की बेस आपको दिख रही है 2 यूनिट्स, अलबत्त इस ट्राइंगल की हाइट है 15 यूनिट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ लेट्स कम टू द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की विड्थ हो गई, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। आप देख सकते हैं विड्थ हो गई 1, 2, 3, तो विड्थ हो गई आपके पास 3 यूनिट्स और लेंथ हो गई 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 यूनिट्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट ट्राइंगल का एरिया। हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल की बेस है 1, 2, 3 यूनिट्स, बेस हमारे पास है 3 यूनिट्स, तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गई 3 यूनिट्स, अलबत्ता हाइट है 15 यूनिट्स। एज यू कैन सी हियर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। आइए सर का सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज गोइंग टू बी 15, दिस इज 45 एंड दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 2, दैट मेक्स 22.5। आइए इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो 45 और उनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60, 60 में 22 ऐड करेंगे तो ये बनता है 82.5 मीटर्स। वाई मीटर्स, बिकॉज यू कैन सी द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, देयर फॉर द डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड्स इज 82.5 मीटर्स। अच्छा जी, आप ये नोट कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे नेक्स्ट फरमाइश क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, पहली बात क्लियर कर लें कि हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन पूछने का मतलब है वी आर लुकिंग फॉर द ग्रेडियंट।
हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, अब हम तवज्जो दें अगर, तो टाइम जीरो से लेकर टाइम टू तक, यानी ये एक लाइन ट्रेवल कर रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, विच रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। हम देख सकते हैं क्योंकि हमें ग्रेडियंट रिक्वायर है, तो ग्रेडियंट के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होगी। एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है जीरो जीरो, देख सकते हैं जैसे जीरो जीरो, अलबत्त दूसरा पॉइंट है 2.15। इसकी मदद से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा था टाइम वन पर एक्सीलरेशन क्या होगा, तो याद रहे एक्सीलरेशन निकालना है यानी ग्रेडियंट निकालना है, और इस लाइन पर आप किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाएं, द ग्रेडियंट विल रिमेन सेम। लिहाजा आई एन की मदद से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो इस बात का सबूत है कि दैट यू कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं, इट्स गोइंग टू बी 7.5, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, बट रिमेंबर द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जी, पार्ट थ्री, कैलक्यूलेट रिटार्डेशन एट T7। टाइम सेवन पर इस ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन क्या होगा। अगेन रिटार्डेशन मांगा है, मींस हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत होगी दो पॉइंट्स की। आइए देखते हैं, एक पॉइंट हमें ये नजर आ रहा है और एक पॉइंट हमें ये नजर आ रहा है। इन दो पॉइंट्स की मदद से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है ये है 5.15, अलबत्ता दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 8.0। नाउ आइए ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा रिकॉल कर लें, रिटार्डेशन ग्रेडियंट की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ग्रेडियंट रिटार्डेशन के लिए ग्रेडियंट लाजमी नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको हमेशा उसे पॉजिटिव लिखना होगा। ये बात बड़ी अहम है। आइए ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, आइए इधर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये हो गया -15, लिहाजा हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है नेगेटिव, जो इस बात का प्रूफ है कि यस इट इज रिटार्डेशन। बट हमने बताया था कि रिटार्डेशन जब भी मेंशन की जाएगी, रिटार्डेशन जब भी लिखी जाएगी, हमेशा उसे आप पॉजिटिव लिखेंगे। आइए इसका जरा यूनिट भी लिख लें अपने पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन का यूनिट एक ही रहेगा, फर्क सिर्फ ये कि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, आप उसे हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। काइंडली इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।